Yes, students, in this procedure, we will discuss about how bill is passed in Lok Sabha and in Rajya Sabha. So, ordinary bill and money bill, basically bills, jo hain, these are of two types. मनी बिल और बजट भी कहते हैं उसको, जो मनी से रिलेटेड होता है. ऑर्डिनरी बिल इन विच मनी इज नॉट इन्वॉल्व, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिल. तो बिल जो है, बिल इज काइंड ऑफ प्रपोजल. बिल क्या होता है? एक प्रपोजल होता है किसी चीज को पास करने के लिए. सबसे पहले वो एक जस्ट एक सजेशन भी कह सकते हैं, प्रपोजल होता है. तो अब ये याद रखना कि बिल जो है, बिल आर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स. एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है, एक प्रपोजल होता है किसी भी इशू से रिलेटेड. तो इफ इट इज रिलेटेड विद द मनी, अगर तो ये मनी से रिलेटेड है, नए नए टैक्सेस से रिलेटेड है, देन इट इज कॉल्ड मनी बिल. या कंट्री का जो बजट होता है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट होती है, ठीक है. एंड इट इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस फर्स्ट. हमेशा याद रखना, मनी और बजट, मनी बिल और जो बजट है, वो सबसे पहले हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है. ऑर्डिनरी बिल कहीं भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है पहले, ठीक है. लेकिन जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है वो लोकसभा में ही होता है. ये लोकसभा की स्पेशल पावर्स हैं. अंशिया, कीप योर माइक ऑन. वी हैव कंप्लीटेड स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा. यस मैम. ओके, ठीक है. तो ये लोकसभा की स्पेशल पावर है कि मनी बिल और बजट हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है. अब इसके बाद फिर हमने क्या बताना है? ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है. अब किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए, यानी कि जो बिल है वो बिल को लॉ या एक्ट बनने के लिए थ्री स्टेजेस में से होकर निकलना पड़ता है. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज. सेम बिल दोनों हाउस में जाएगा, लोकसभा में भी जाएगा, राज्यसभा में भी जाएगा, और दोनों हाउस में सेम प्रोसीजर रिपीट किया जाएगा, ठीक है. अब हम सबसे पहले करते हैं फर्स्ट. सपोज, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि सपोज मनी बिल है, ठीक है. अगर मनी बिल है तो फर्स्ट जो स्टेज क्या होगी, या बजट जो है वो सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, कौन से हाउस में? लोकसभा में, ठीक है. तो इसमें हमने क्या बताना है? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी बिल और बजट विल ऑलवेज बी प्रेजेंटेड और इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा फर्स्ट. सबसे पहले इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे. तो फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, फर्स्ट स्टेज क्या होती है? इसमें क्या होता है, मेंबर जो है, जो मेंबर इसको प्रपोजल या इसको पास करवाना चाहता है, वो इसको सारा रीड करके बताते हैं. लोकसभा के सारे मेंबर्स इसको ध्यान से सुनते हैं, ठीक है. तो ये एक फाइल की तरह होता है. इसमें जो जो भी गवर्नमेंट ने नए टैक्स लगाने हैं, पुराने टैक्स को हटाना है, या कहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना करना है, ठीक है. तो ये बेसिकली वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बताते हैं सारा. तो ये सारे पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज हैं लोकसभा में, उनको पढ़ के सुनाया जाता है. तो ये होती है, ये है फर्स्ट स्टेज. इसको रीडिंग स्टेज भी कहते हैं. रीडिंग स्टेज का मतलब क्या होता है? जिसमें बिल को पढ़कर सुनाया जाता है, क्लियर. देन जब पूरा का पूरा बिल पढ़कर सुना दिया, अब सभी मेंबर्स को बिल के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन, इसको इंट्रोडक्शन राउंड भी कहते हैं, रीडिंग स्टेज भी कहते हैं, फर्स्ट स्टेज भी कहते हैं, ठीक है. इसके बाद जब बिल को पूरी तरह से सभी एमपीज को बता दिया जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है? सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज जो होती है, इसमें क्या होता है, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो इनकी कमेटीज बनाते हैं. अलग अलग मेंबर्स की कमेटीज बना दी जाती है. कमेटीज का मतलब होता है कुछ मेंबर, जैसे 5-6 मेंबर्स हैं या 10 मेंबर्स हैं, उनको अलग से ये पूरे के पूरे बिल की फाइल दे दी जाती है और उनको ये ड्यूटी दी जाती है कि वो इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो थॉरो रिसर्च करे. रिसर्च का मतलब क्या होता है? इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके नेगेटिव या डिसएडवांटेजेस जो हैं, अगर ये ऐसा नए कर लगाएंगे, नए टैक्स लगाएंगे, पुराने हटाएंगे, तो किस सेक्टर के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी में क्या होगा, इकोनॉमी में क्या होगा,
तो ये सारा जो है वो कमेटी जो है वो प्रॉपर वेरीफाई करती है। तो सेकंड रीडिंग, सेकंड स्टेज का मतलब होता है कमेटी स्टेज। कमेटी स्टेज का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर कमेटी बना दी जाती है एंड उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए ड्यू डेट दे दी जाती है। कमेटी क्या करती है, उस बिल को प्रॉपरली एग्जामिन करती है और जिस डेट यानी कि जो उनको ड्यू डेट दी जाती है उस डेट तक अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सबमिट कर देती है। इसका मतलब क्या है, कमेटी ने जो भी वेरिफिकेशन जो भी रिसर्च की है वो प्रॉपर उनके पास भी उसका रिकॉर्ड होता है और स्पीकर को भी दे देते हैं। ये होती है सेकंड स्टेज। फिर आती है थर्ड स्टेज में फिर से थर्ड स्टेज जो है एक तरह से वोटिंग राउंड होता है। वोटिंग राउंड का मतलब इसमें फाइनली वोटिंग करवाई जाती है बिल पास करवाने के लिए। इसमें क्या होता है, जो रिपोर्ट है वो कमेटी का कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव पढ़ के सुनाता है। सभी मेंबर्स को उसके प्रोज एंड कॉन्स, लोग जो भी उसके एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं वो पढ़ के सुनाए जाते हैं और अपना जो है जो भी उनकी फाइनल जो उनकी कमेटी की जो भी उनका डिसीजन होता है वो बताया जाता है। इसके बाद सभी एमपीज को स्पीकर वोटिंग करने के लिए कहता है। वोटिंग का मतलब होता है यस या नो। यस का मतलब बिल पास होना चाहिए, नो का मतलब नहीं। और उसमें क्या होता है, फिर सारे के सारे मेंबर्स अपनी वोटिंग या यस या नो में करते हैं और उसके बाद अगर तो यस, यस का मतलब है अगर 2/3 मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस हाउस में बिल पास हो, इसका मतलब लोकसभा में बिल पास हो। अब लोकसभा में बिल आधा आधा मतलब हाफ अभी हुआ है, अभी लोकसभा के बाद वो कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा, ठीक है, फिर दूसरे हाउस में जाता है। अगर सपोज पहले ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में आया तो वो लोकसभा में जाएगा, अगर लोकसभा में आया तो राज्यसभा में जाएगा। इसके बाद राज्यसभा में जब बिल जाता है सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड देयर। सेम प्रोसीजर का मतलब होता है अगेन 3 stages। जब राज्यसभा में वही बिल आएगा तो राज्यसभा में फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो किसी भी मेंबर को पूरा बिल पढ़ने के लिए कह सकते हैं कि पूरा बिल जो है वो रीड किया जाए। फिर सेकेंड स्टेज, सेकेंड कमेटी स्टेज, इसमें क्या करते हैं, किसी भी मेंबर्स को वो प्रॉपर बिल दे दिया जाता है, उसकी प्रॉपर रिसर्च की जाती है, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स लोकसभा के मेंबर्स ने दिए क्या वो वैलिड हैं, उनको प्रॉपर रिसर्च किया जाता है, सेकंड स्टेज। फिर आती है थर्ड स्टेज, राज्यसभा में थर्ड स्टेज आती है। जिस कमेटी को जो काम दिया जाता है वो कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव सारे प्रोज एंड कॉन्स पढ़ के सुनाते हैं और इसमें फिर वोटिंग करवाई जाती है। वोटिंग का मतलब होता है कि कितने लोग उसको यस है कितने नो है, तो अल्टीमेटली फिर राज्यसभा में सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो लोकसभा में। वोटिंग करवाने के बाद अगर राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से जो जितने भी मेंबर्स हैं वो बिल पास कर देते हैं, अभी भी बिल पास नहीं हुआ है, बिल फाइनली फिर किसके पास जाता है, प्रेजिडेंट के पास। प्रेजिडेंट के पास फाइनल सिग्नेचर या फाइनल जो है वो सारी, प्रेजिडेंट भी बिल को अपने पास कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। अगर बिल से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम है तो प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर जब प्रेसिडेंट उस बिल पे फाइनल साइन कर देते हैं देन बिल इज डीम्ड टू पास, बिल पास हो जाता है एंड बिल बिकम्स एन एक्ट। बिल क्या बन जाता है, लॉ और एक्ट बन जाता है। और हम कहते हैं कि हाँ जी लॉ पास हो गया, पार्लियामेंट में लॉ पास हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब बिल जो है वो, इतना लंबा प्रोसीजर होता है हमारी कंट्री में, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग किसके हाथ में है, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अभी तक बच्चे मैंने आपको वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में से ना हमने सिर्फ अभी एक पार्ट जो है लेजिस्लेशन में सिर्फ एक पार्ट कवर किया है, दैट इज पार्लियामेंट। नाउ आई थिंक डिटेल जो है इंफॉर्मेशन यू हैव रिगार्डिंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के फंक्शंस, पावर्स, कॉम्पोजिशन, लोकसभा, राज्यसभा एंड हाउ अ बिल बिकम एन एक्ट, इज इट राइट? इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, देन आई विल स्टार्ट टुडे। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, हरी अभी
powers and functions of president. Yes. So before starting powers and functions, सबसे पहले हमने composition बतानी होती है. Composition का मतलब होता है कि हमारी country के जो president हैं, उनके elections का क्या procedure होता है. तो सबसे पहले president जो है, president is the nominal head. Nominal head of the country. अगर president nominal head है, तो real head of government कौन हुए? Prime minister. इसका मतलब क्या है यहाँ पे? कि no doubt all the powers are and functions of president are used by him, लेकिन president can use all his powers on the advice of, ये हमेशा याद रखना, on the advice of prime minister and council of ministers. इसका रीजन क्या है? हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट जो है, अगर देखा जाए, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर कंट्रीज प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर कंट्रीज प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट? टेल मी हरी अप, हु विल गिव द आंसर? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द आर कंट्रीज प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट? चैतन्य, हाँ जी. गुड मॉर्निंग मैम. मैम, जो हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट है वो सिर्फ हमारे यहाँ पे ही ले सकता है, और जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ का डिसीजन नहीं ले सकता. नहीं, ऐसा नहीं है. इलेक्शंस का फर्क है, इलेक्शंस का फर्क है बेटा. हाँ जी, टेल मी गौरव. यस मैम, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है मैम वो नॉमिनल हेड है, और मैम जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो रियल हेड है मैम वहाँ का. हम सारे मैम मेन डिसीजंस वगैरह मैम वो लेता है. जैसे यहाँ पे इलेक्शंस का बताओ, इलेक्शंस का क्या फर्क है इलेक्शंस में? अंशिया, धैर्य. मैम, जो अमेरिका वाले हैं वहां पे जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसको पीपल इलेक्ट करते हैं, और जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको एमपी से इलेक्ट. एमपीज एंड एमएलए, ये मेन फर्क है. इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और यूएसए में कौन सी है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहां पे प्रेसिडेंट मोर पावरफुल एंड सुप्रीम होता है एज कम्पेयर टू पार्लियामेंट. हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के पास जो भी पावर्स एंड फंक्शंस हैं, वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, उनको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेनी पड़ती है. ताकि हमारी, ये ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट डिक्टेटर ना बने, डिक्टेटरशिप ना हो, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, और फर्क क्या है? आर कंट्रीज प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमपीज एंड एमएलएस, लेकिन यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो ज्यादा पॉपुलर हैं. पॉपुलर क्यों है? क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा है. दे आर पॉपुलर, और वो रियल हेड ऑफ द कंट्री है क्योंकि लोग उनको चुन के भेजते हैं. ही इज आंसरेबल. यूएस के प्रेसिडेंट, हमें यूएस के प्रेसिडेंट का पता होगा, बच्चों को रियर ही है कि अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट का पता होगा. लेट्स चेक. हाँ जी प्रभजोत. हाँ जी प्रभजोत, कीप योर माइक ऑन. हरी अप जल्दी. ओके मान्या भी. हाँ जी मान्या, कीप योर माइक ऑन. यस मैम. यस, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आवाज नहीं आ रही बच्चे. प्रभजोत, हाँ जी. हाँ जी, अर्शदीप कौर. यस अर्शदीप. मिस्टर रामनाथ कोविंद. एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? जो बाइडेन. यस, ठीक है, आपको पता है. लेकिन अगर हम इंडिया में बच्चों से पूछते हैं ना, तो रेयर ही हैं जिनको अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट का नहीं पता, उनको यूएसए के प्रेसिडेंट का पता होता है. रीजन इज कि हमें मतलब प्रेसिडेंट की इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि हम प्रेसिडेंट को बहुत कम सुनते हैं. हम प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा सुनते हैं, प्रेसिडेंट को कम सुनते हैं, ठीक है. तो हमारी कंट्री में मेनली जो मतलब है कि नॉमिनल हेड है, ये आपको मेन क्लियर होना चाहिए, ठीक है. अब फिर हमने क्या बताना है? अगर नॉमिनल हेड है
तो रियल हेड कौन है? रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो हम लोग उनको चुन के जो है वो आगे भेजते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, दैट्स व्हाई ही इज अ रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद इनकी टर्म, प्रेसिडेंट की टर्म जो है वो कितनी होती है? 5 years, 5 साल के बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं, और अगर फिर से वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं तो ही कैन विन, ही और शी कैन विन, वो फिर से रीइलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर से उनको इलेक्शंस में जीत कर आना पड़ेगा। टर्म इनकी 5 years है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर जो है वो बॉडी होती है, जिसको बोलते हैं MPs प्लस MLAs, और ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। ये कॉलेज कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? MPs एंड MLAs मेक्स इलेक्टोरल कॉलेज, एंड दीज मेंबर्स इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द हेड, नॉमिनल हेड, टर्म इनकी 5 years है, और इसके बाद इनकी मिनिमम एज, मिनिमम एज कितनी है? 35 years। हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी है? 35 years, ये याद रखना, ठीक है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी है? 25। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी होती है? 30। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 35। क्लियर। इसके बाद अब हम करते हैं कि प्रेसिडेंट को हमने इलेक्ट, तो मतलब हमें पता है कि हाँ जी कौन इलेक्ट करता है, हु कैन रिमूव, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रोसीजर क्या है? हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनको रिगार्ड दिया जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, और इस रिगार्ड के अंडर ही कांट बी अरेस्टेड बाय द पुलिस, कांट बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट बिफोर द जज, जज के सामने उनको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया? ना उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ना उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। तो हाउ इफ, वैसे आज तक कभी हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन अगर इफ प्रेसिडेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है? डू यू हैव एनी आइडिया कैसे रिमूव करते होंगे? गुरशान, हाँ जी बच्चे, यस मैम, MPs जो है वो इलेक्शंस करते हैं, तो अगर मेजॉरिटी ये कि रिमूव करना चाहे तो हो सकता है। वेरी गुड। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसीजर। इम्पीचमेंट क्या होता है? 1 mark question here. What is the meaning of impeachment? Impeachment is a process through which President can be removed from their post if he is not working according to Constitution. Again, I'm repeating. What is the meaning of impeachment? Impeachment is the procedure through which President of our country can be removed from his post. ठीक है? And इसमें जो है impeachment जो है वो कहाँ पे करवाई जाती है? Parliament में. If it is decided that president is not working according to constitution, then president जो है उनको parliament में बुलाया जाता है, लोकसभा and राज्यसभा में, जो भी charges उनके against लगे होते हैं, MPs कोई भी person जो है वो पढ़ के सुनाता है। उसके बाद कमेटीज, कुछ कमेटीज बना दी जाती हैं जो सारी वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और इसके बाद जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, अगर वो सभी एलिगेशंस ट्रू प्रूव होते हैं तो लोकसभा में प्रॉपर वोटिंग करवाई जाती है। वोटिंग अगर 2/3 से ज़्यादा लोग यस कर देते हैं तो लोकसभा में इम्पीचमेंट पास हो गया। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में बुलाए जाते हैं, वहां पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और उसके बाद इम्पीचमेंट राज्यसभा में जो है वो पास हो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में ज्वाइंट अगर दोनों हाउसेस में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर इम्पीचमेंट जो है वो पास हो गया, इट मींस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव, और उसके बाद कंट्री में नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे प्रेसिडेंट के लिए। दिस प्रोसीजर इज नोन एज इम्पीचमेंट प्रोसीजर। ये शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि इम्पीचमेंट क्या होता है। इम्पीचमेंट जो है पार्लियामेंट में करवाया जाता है ताकि प्रेसिडेंट को उनकी पावर से रिमूव किया जाए।
और ये याद रखना कि प्रेसिडेंट कैन यूज ऑल हिज पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सपोज वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस नहीं ले रहा और सपोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं पूछा जा रहा, सपोज वो डिक्टेटरशिप जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही, तो ऐसे में इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है. क्लियर? अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस, कि प्रेसिडेंट के पास, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर्स एंड फंक्शंस हैं. ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस वो करते हैं. तो वन एंड द सेम थिंग, चाहे पावर है चाहे फंक्शन है, तो हमने मेन उनका एक्ट बताना है कि प्रेसिडेंट को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. ठीक है, तो सेम हेडिंग जैसे हमने पहले किया था ना पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, उसमें क्या होता है आपको पता होता है कि हमने इस हेडिंग के अकॉर्डिंग ये लिखना है. तो ऐसे ही हेडिंग आपने इसमें भी सेम नंबर वन लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है प्रेसिडेंट. अब लेजिस्लेटिव जब आप वर्ड लिखोगे ना, तो इसमें हमने आप ध्यान रखना कि हमने ये प्रेसिडेंट की पावर कर रहे हैं. लेजिस्लेटिव का मतलब होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना पार्लियामेंट से रिलेटेड, यानी कि प्रेसिडेंट की पावर्स कौन कौन सी हैं जो वो पार्लियामेंट से रिलेटेड ले सकता, ये मतलब है इसका. ठीक है, फिर से अगर मैंने यहाँ पे लेजिस्लेटिव लिखा है तो इसका मतलब है पार्लियामेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स ऐसी हैं जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं. ठीक है, सबसे पहले नंबर वन इसमें आपने क्या बताना है, दैट फर्स्ट सेशन मैं बिल्कुल शॉर्ट में हिंट्स लिख रही हूँ, आपने खुद इसको लाइंस में लिखना है, ऐसे वर्ड्स याद रखने हैं. फर्स्ट सेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कंट्री में नई लोकसभा, जब इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट, यानी कि जब सेशन होता है या जब नई लोकसभा बनती है, तो उस नई लोकसभा में सारे एमपीज नए होते हैं. सपोज इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद सारे के सारे एमपीज अपने अपने स्टेट से वो दिल्ली गए और दिल्ली में जो लोकसभा का जो है वो फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया. इस सेशन को सबसे पहले कौन प्रिजाइड ओवर करते हैं, प्रेसिडेंट. वेलकम करते हैं उनका और उसके बाद प्रॉपर स्पीच होती है, ऑथ सेरेमनीज होती है, प्राइम मिनिस्टर को ऑथ दिलाई जाती है, एमपीज को ऑथ दिलाई जाती है, और उसके बाद उनसे जो है वो ऑनेस्टली काम करने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट की जाती है ताकि वो अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपरली संभालें. ठीक है, और इस तरह से फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है. तो ये पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रेसिडेंट का जो है वो पावर है कि फर्स्ट सेशन इज कॉल्ड, यानी कि पार्लियामेंट का जब भी फर्स्ट सेशन शुरू होता है दैट इज प्रिजाइड ओवर बाय द प्रेसिडेंट. प्रिजाइड ओवर का मतलब होता है जो उनकी मीटिंग्स होती हैं हमेशा, दैट इज प्रिजाइड ओवर बाय द प्रेसिडेंट. और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में नहीं आते, उसके बाद लोकसभा एंड राज्यसभा बिल पास करते हैं जो भी डिसीजन होते हैं, एंड आफ्टर दैट बिल पास करने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए. ठीक है, और फर्स्ट सेशन का मतलब होता है कि जब भी इलेक्शंस के बाद नई लोकसभा बनती है तो दैट दे आर वेलकम, दे आर गिवन वेलकम और ऑथ सेरेमनी इज कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, देन इसमें ये तो हो गया फर्स्ट सेशन. सेकंड, और क्या प्रेसिडेंट की पावर है पार्लियामेंट से रिलेटेड, कैन डिसॉल्व लोकसभा, कैन डिसॉल्व लोकसभा. प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं टर्म 5 ईयर से पहले. अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कंट्री जो है वो एक्सटर्नल अटैक हो सकता है या कंट्री में इमरजेंसी लगानी है या इफ लोकसभा इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा. प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं 5 साल से पहले. तो ये भी पार्लियामेंट से रिलेटेड जो है वो प्रेसिडेंट की एक इंपॉर्टेंट पावर मानी जाती है. ठीक है, देन बिल, कोई भी बिल जो है वो एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट की अप्रूवल हो. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दैट बिल बिकम्स एन एक्ट विद द फाइनल अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. आई एम गिविंग यू सो मेनी लेजिस्लेटिव फंक्शंस, यू हैव, यू कैन राइट एनी 2 or 3 जो आपको इजीली लर्न हो जाते हैं. ठीक है, वैसे प्रेसिडेंट के फंक्शंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, बिल बिकम्स एन एक्ट only with the approval of the president. कोई भी बिल जो है वो एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर फाइनल अप्रूवल देते हैं. ये तो अपने अभी मैंने बताया कि बिल जो है वो एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं. ठीक है, इसके अलावा पार्लियामेंट से रिलेटेड और कौन सी है, याद रखो आप 2 plus 12
टू प्लस ट्वेल्व मतलब प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट टू मेंबर्स फॉर लोकसभा एंड 12 मेंबर्स फॉर राज्यसभा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 545, टू आर नॉमिनेटेड एंड दीज आर इलेक्टेड। तो ये दो नॉमिनेटेड मेंबर्स ये जो हैं, दीज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेम राज्यसभा में भी 250 टोटल होते हैं, ठीक है, इनमें से 238 जो हैं वो इलेक्टेड हैं और 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, 250 में से 238 इलेक्टेड हैं, 12 नॉमिनेटेड हैं। तो 2 प्लस 12 का मतलब है प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट टू मेंबर्स इन द लोकसभा एंड 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा। ये जो टू मेंबर्स हैं ये एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से होते हैं, एंग्लो इंडियन यानी कि जो नॉन रेजिडेंट एनआरआई इंडियंस हो सकते हैं। 12 जो हैं, 12 हमारी कंट्री में अलग अलग फील्ड, सपोज सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मैथ, ठीक है, मेडिसिन, ऐसे लोग जिन्होंने अपना नेम एंड फेम अर्न किया है, उनमें से प्रेसिडेंट जो हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं या जिनको कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी कंट्री का नाम बहुत ज़्यादा जो फेम अर्न किया है, तो दीज 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये मतलब जो है वो प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट से रिलेटेड पावर्स होती हैं। इसके अलावा एक और भी पावर है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस काइंड ऑफ लॉ होता है, एक छोटा सा जिसे हम कहते हैं लॉ है ये। क्या होता है ये ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस एक ऐसा लॉ है, अदरवाइज मैंने आपको बताया कि बिल पास करने का प्रोसीजर कितना टफ होता है, पहले वो लोकसभा के पास जाता है, फिर राज्यसभा के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अब एमपीज हमेशा दिल्ली में थोड़ी होते हैं, ये तभी जाते हैं जब उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनको पहले इन्फॉर्म किया जाता है, और जब पार्लियामेंट का सेशन होता है उस टाइम पीरियड में सभी एमपीज जो हैं वो वहां पे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, और जब सेशन खत्म हो जाता है वो अपनी अपनी स्टेट में वापस आ जाते हैं। और बेसिकली पार्लियामेंट के तीन सेशन होते हैं, विंटर सेशन, समर सेशन और एक और सेशन होता है। कई बार अगर इमरजेंसी होती है या कुछ होता है तो वो जल्दी से एक और सेशन भी बुला लिया जाता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, अब जब इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, एमपीज दिल्ली में नहीं है, एमपीज अपनी अपनी स्टेट में है, उस टाइम पीरियड में अगर प्रेसिडेंट को किसी सडन लॉ की जरूरत है तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस। इशू का मतलब होता है वो लॉ बना सकते हैं, प्रेसिडेंट अपनी जो है अपने अकॉर्डिंग लॉ बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है ये सिर्फ 6 मंथ वैलिड रहेगा, ये जो लॉ बनाया है वो सिर्फ 6 मंथ वैलिड रहेगा। उसके बाद जब लोकसभा आएगी, लोकसभा सारे के सारे एमपीज बैठेंगे, इसको फिर से बिल की तरह ही पास किया जाएगा, सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा दोबारा से, 6 मंथ तक रहेगा। उसके बाद इसको जो है वो फिर से सेम प्रोसीजर से निकलना पड़ेगा जैसे बाकी बिल्स होते हैं। क्लियर? सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कंट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट जो हैं वो फंक्शंस हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो हैं वो प्रेसिडेंट का माना जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बिना बिल जो है वो एक्ट नहीं बनेगा, और अगर एक्ट नहीं बनेगा तो हमारी कंट्री में जो है वो पॉलिसीज या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो नहीं फॉलो होंगे। क्लियर? अब एनी डाउट? अभी तक मैंने जो लेजिस्लेटिव फंक्शन कवर किया है तो मैंने डिटेल में आपको बताया, तो यू कैन राइट एनी 2 और 3 जो आपको ईजी रखती है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, धैर्य। यस मैम। हाँ जी, बोलो। मेरा डाउट था कि मैम जब आपने कहा कि प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो मैम अगर जब उनकी टर्म 5 इयर्स की खत्म हो जाएगी उसके बाद लोकसभा दोबारा आ जाएगी कि डिसॉल्व ही रहेगी? देखो बच्चे, जो टर्म है ना हर एक की अलग अलग होती है, प्रेसिडेंट के 5 इयर्स अलग हैं, लोकसभा के अलग है ना, तो इन बिटवीन कई बार क्या हो सकता है कि कंट्री में जब एक्सटर्नल अटैक या कंट्री में जो पोजीशन इतनी ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है,
और गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, या एमपीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को ये लगता है कि ये लोकसभा जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिल ही नहीं पास हो रहे हैं। सपोज आए दिन बिल ही ना पास हो, मेजोरिटी से बिल, अगर बिल ना पास हो सपोज, तो ये एक तरह से लोकसभा का फेलियर माना जाता है कि मेंबर्स कीप ऑन यू कैन से फाइटिंग विद ईच अदर और बिल ही ना पास हो। सपोज एक इशू है, कोई बिल पास करना, बिल ही नहीं पास हो रहा, वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और ऐसे में कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कंट्री में लोकसभा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब कंट्री में लोकसभा ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी तो प्रेसिडेंट के ऊपर उसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा? तो ऐसे में कई बार प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है, क्योंकि मेजोरिटी खत्म हो जाती है। मेजोरिटी खत्म हो जाएगी मतलब इसका मतलब क्या है कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या है कि मेजोरिटी गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट नहीं, बिल पास नहीं करवाए जा रहे, तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। और डिसॉल्व का मतलब होता है उसकी जगह पे लोकसभा के नए इलेक्शन करवाए जाएंगे, और जो नई लोकसभा बनेगी उसका टर्म होगा 5 ईयर। ठीक है, हाँ जी, एनी अदर डाउट? हाँ जी चैतन्य मैम, जो आपने अभी ऑर्डिनेंस करवाया है मैम, उसकी डेफिनेशन आ सकती है? ऑर्डिनेंस सिंपल आपने बताना, ऑर्डिनेंस इज अ लॉ दैट इज इशू बाय द प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यानी कि जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा होता, लोकसभा का सेशन नहीं हो रहा होता, उस टाइम अगर किसी सडन लॉ की जरूरत पड़े तो ऐसे टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड ही कैन इशू ऑर्डिनेंस, लॉ बना सकते हैं, लेकिन ये 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। उसके बाद जब लोकसभा के मेंबर्स आ जाएंगे, दिल्ली आ जाएंगे, उनका सेशन शुरू हो जाएगा, देन सेम इस ऑर्डिनेंस को फिर से सेम प्रोसीजर से निकलना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? थैंक यू, आई एम गोइंग टू एंड, 9:36, टाइम इज ओवर नाउ।